इनके लब रंगी मिठावर के जिसने। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर पर मेहंदी लगाने के ताल्लुक से सवाल है कि सर पर अगर मेहंदी लगाई जाए और नमाज़ का वक्त हो जाए और अभी मेहंदी सूखी नहीं है, धोने में वक्त लगेगा और नमाज़ क़ज़ा हो जाएगी, तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए। अव्वल तो ये कि सर पे मेहंदी लगाने का जो लोगों में तरीका होता है वो काफ़ी लंबे वक्त तक होता है, इतना होना नहीं चाहिए। मेहंदी को अगर बालों पर सर पर लगाया जाए तो मैक्सिमम 2 घंटे होने चाहिए और मिनिमम 1.5 घंटा या 1 घंटे के अंदर सर को धो लेना चाहिए। हाँ, अगर मौसम सर्द है, वैसे सर्द में कोई लगाता नहीं, लेकिन फिर भी मौसम अगर सर्दियों का है तो उसे सूखने में थोड़ा टाइम लग सकता है, 2 घंटे, वरना एवरेज ये है कि 2 घंटे के अंदर ही सर को धो लेना चाहिए। बाज़ लोग पूरे पूरे दिन उसको लगाए रखते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, तो ये एक तो बालों को भी जो है ना वो नुकसान इससे होता है, डैमेज होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बाल झड़ने का, टूटने का। तो मेहंदी के जो फ़ायदे हैं वो तो मिलते हैं लेकिन नुकसान भी मिलता है, और तो इसीलिए ये नमाज़ की किल्लत भी वहाँ आती है जो लंबे टाइम के लिए लगाते हैं। और मेहंदी ये किया 1.5 घंटे तक घोले रखें, उसके बाद लगा लें और 2 घंटे से 3 घंटे चलें, ज़्यादा से ज़्यादा धो लें, तो मुझे लगता है दोपहर में अगर ऐसी हुई नमाज़ का मसला नहीं आता। और शाम में या रात में मेहंदी लगानी भी नहीं चाहिए, दिन में ही लगानी चाहिए। तो दिन में तो शायद जोहर की नमाज़ कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मेहंदी लगाने से पहले वज़ू किया था और वज़ू करने के बाद मेहंदी लगाई और मेहंदी लगे दौरान कोई वज़ू टूटने वाली चीज़ भी नहीं थी, टॉयलेट बाथरूम वगैरह कुछ नहीं किया कि जिससे वज़ू टूटता, और वज़ू बाकी है इतना मालूम है, तो ऐसी सूरत में मेहंदी लगे होने से नमाज़ जो है वो पढ़ी जा सकती है। और क्योंकि टोपी वगैरह तो किस सर पर नहीं पहनी जाएगी, तो इसलिए वो नमाज़ जो है वो पढ़ सकते हैं मेहंदी लगा के। अच्छा, अब ख़वातीन का मसला है, तो ख़वातीन का मेहंदी लगा के तो नमाज़ ना होने की जो दूसरी सूरत है वो ये कि मेहंदी लगाने के बाद एक तो दुपट्टा नहीं होगा, मगर बालों का पर्दा मेहंदी से हो जाएगा डेफिनेटली, लेकिन इसके सिवा कानों का और गर्दन का पर्दा जो है वो नहीं हो पाएगा। तो अगर ऐसा है कि वज़ू खातून ने कर रखा है और मेहंदी लगा दी, अब मेहंदी इतनी सूख गई थोड़ी बहुत कि उसको उसके ऊपर कोई दुपट्टा ओढ़ा जा सकता है, तो बहुत ज़्यादा टाइट करके ना बांधे, हल्का दुपट्टा बांध के लपेट के, ताकि सितर जो है वो छुप जाए और कान गर्दन वगैरह का सब अच्छी तरह, और इसी तरह नमाज़ अगर खातून भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकती है। और मर्द के लिए तो खैर ये फिर वो बिना टोपी के ही पढ़नी पड़ेगी, या अगर कोई लूज़ टोपी लगा ले तो ठीक है, नहीं भी लगाए तो खैर नमाज हो जाएगी मेहंदी लगी होने की सूरत में, जबकि वज़ू का होना पाया जाए। और खातून के लिए वही कानों का और गले का कोई ऐसा ऊपर से ग्लाफ या मास दुपट्टा वगैरह ओढ़ ले लूज़, ताकि वो ज़्यादा दबाने से गंदा हो जाएगा, हल्का हो तो इस तरह से वो नमाज़ पढ़ी जा सकती है। और ये कि वरना नमाज़ के टाइम का एहतियात रखा जाए मेहंदी लगाने में, जैसे दोपहर में लगा लें 10-11 बजे, तो जोहर का टाइम ख़वातीन के लिए तो 4 बजे तक भी रह सकता है, कम से कम 3:30 तो रह ही सकता है, तो 10-11 लगाएंगे तब भी 2 घंटे में 3 घंटे में सर धोया जा सकता है। इसी तरह मर्द हजरात भी जो है वो जोहर के बाद लगा लें तो असर से पहले जो है वो सर धोया जा सकता है, लेकिन वज़ू अगर है और मेहंदी लगा के नमाज़ पढ़ ली तो वो नमाज़ हो जाएगी। और माथे वगैरह पे तो खैर नहीं लगाते, थोड़ा वहाँ क्लीन रखें, बालों पे ही रहे ताकि सजदे में कोई परेशानी ना हो और वो इतनी गीली भी ना हो कि वो कपड़ों पे टपके, फिर वो नमाज़ के दौरान आदमी को उसमें ध्यान हटेगा साफ़ करने में, तो ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। लगभग जो है ना अक्सर मेहंदी सूख चुकी हो, बस धोने में वक्त हो, नमाज़ का टाइम जाता हो, तो नमाज़ पढ़ लेनी चाहिए, उससे नमाज में फसाद पैदा नहीं होगा। पत्थर में हसन लाले पुरनवा।